व्यापार मंडल पिंजौर कालका पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यापार मंडल द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पिंजौर कालका शहरों में निकाली गई शोभा यात्रा के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। व्यापार मंडल पिंजौर कालका ने शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए व्यापार मंडल ने व्यापारियों, दुकानदारों, पुलिस प्रशासन, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं, पिंजौर कालका वासियों सहित मुख्य रूप से पूर्व विधायक लतिका शर्मा का आभार जताया। व्यापार मंडल पिंजौर कालका के प्रधान तरसेम गुप्ता सहित परवीन आहूजा, अंकित बंसल, विकास जैन, राजेश कुमार, ज्ञानचंद गोयल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि व्यापार मंडल द्वारा शोभा यात्रा के प्रबंधन के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिन्होंने अपनी अपनी कोशिशों से यात्रा को इतना प्रभावशाली और भक्तिमय बनाया कि निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों राम भक्तों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उपायुक्त पंचकुला, SDM कालका सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापार मंडल द्वारा पिंजौर गार्डन परिसर में लगाई गई LED पर रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के आयोजन से शहरवासियों में उत्साह है और भगवान राम की कृपा रही तो व्यापार मंडल सभी के सहयोग से हर साल शोभा यात्रा का आयोजन करेगा। तरसेम गुप्ता ने शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व विधायक लतिका शर्मा का शोभा यात्रा के सफल आयोजन में अहम योगदान रहा। उन्होंने करीब एक महीने से व्यापार मंडल के साथ मिलकर यात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। मुद्दा तो श्री हमारे श्री राम जी का है जी, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की अयोध्या में हुई है, फाइनली 500 वर्षों का वनवास काट करके फाइनली श्री राम जी अपने महलों में पहुंच गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के उपलक्ष्य में हमने एक यहाँ से शोभा यात्रा निकाली थी, जो कि भव्य रूप के अंदर सभी ने उसमें तन मन धन से सहयोग किया है। और यहाँ की कालका पिंजौर की सभी संस्थाएं ने मिलकर साथ दिया है, सभी कालका वासी उसके अंदर शामिल रहे हैं, सभी ने मिलजुल करके एक ऐसा माहौल बना दिया, एक राम में ऐसा माहौल बना दिया जो कि एक ऐतिहासिक रूप के अंदर कालका पिंजौर के अंदर इससे बड़ी यात्रा आज तक नहीं निकली है। एक इतिहास रचा है कालका पिंजौर ने, क्योंकि कालका पिंजौर एक सुंदर लाइटों से सजा हुआ था और लोगों ने जगह जगह पर स्वागत किया है। कम से कम 165 आप ही लोगों ने लिखा है भी 165 जगह यात्रा का स्वागत हुआ है। मैं सभी दुकानदार भाइयों का, पूरे व्यापार मंडल उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करता है, सभी संस्थाओं का तह दिल से शुक्रिया अदा करता है और सभी जनता का शुक्रिया अदा करता है। और स्पेशली मैं थैंक्स करूंगा अपनी बहन लतिका शर्मा जी का, जिन्होंने एक महीने से दिन रात एक करके व्यापार मंडल के साथ मिलकर के जो सहयोग किया है, जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने में उनका अहम रोल है। मैं उनका बार बार थैंक्स करता हूं और साथ ही सभी जनता का थैंक्स करता हूं जिन्होंने हमारे साथ में आकर के हमारी यात्रा में चले और श्री प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद लिया, यही मेरा कहना है। साथ ही शोभा यात्रा के अंदर जो हमारे प्रशासन का सहयोग रहा है, खुद DC साहब चल के इस प्रोग्राम के अंदर आए, उन्होंने जो लाइव प्रसारण था वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का वो देखा, और SDM साहिबा और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद रही, और पूरा पुलिस महकमा जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा साथ दिया और कोई भी अनहोनी चीज होने नहीं दी, बहुत ही स्मूथली हमारी यात्रा को चलाया। मैं उनका बहुत बहुत व्यापार मंडल बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका थैंक्सफुल ही है व्यापार मंडल। और मैं सभी जो हमारे साथ संस्थाएं जुड़े हुए थी जी, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी को उनको मैडम से आग्रह किया है हमने, प्रशासन से आग्रह किया है हमने, उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने हमारे साथ मिलकर झांकी निकाली है, उनको 26 जनवरी वाले दिन सम्मानित कराया जाएगा, एक प्रमाण पत्र प्रशासन की तरफ से उनको दिलाया जाएगा। वो जैसे प्रभु की इच्छा होगी जी, हम तो सभी चाहेंगे भी कार्यक्रम हो, बाकी तो जब श्री राम प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा कार्य होगा जी। मतलब इस दिन को ऐतिहासिक दिन मनाया जाएगा? ऐतिहासिक दिन तो बन ही गया जी। हाँ जी, ऐतिहासिक दिन भूलने वाला दिन नहीं है, ऐतिहासिक दिन तो बन ही चुका है। ठीक है जी, हम हर 22 तारीख को प्रोग्राम तो होगा ही होगा, वो जैसा बाकी प्रभु की इच्छा जी, वो सब उन्हीं के ऊपर आधारित है।
जैसे उनका इशारा होगा, क्योंकि ये भी मन से इशारा होता है, भावनाएं जब जुड़ जाती हैं तो प्रोग्राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो खुशी की बात है कि हम इसको हर साल मनाएं। और मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों का, जो कि आज की बात नहीं है, पूरा एक महीना हो गया है पूरा इस हाईलाइट करने में, इस यात्रा को उठाने में, उन्होंने व्यापार मंडल का भरपूर साथ दिया है, हमारे छायाकर भाई भी हैं, पत्रकार भाई भी हैं, हमारी बहना पिंकी शैली जी, मन्नी जी, शम्मी जी बैठे हैं, पम्मी जी, अपना रमोला जी और चौहान साहब, सभी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। पूरे एरिया के जितने भी पत्रकार भाई हैं, जो नहीं आए उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ। बहुत ही सब लोगों ने, सभी दुकानदार भाइयों ने, सभी पब्लिक ने हमारा मिलजुल के सबने साथ दिया है। इसके अंदर सभी दुकानदारों ने हमारा बहुत साथ दिया, व्यापार मंडल पिंजौर की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से अंकित कंसल सभी कालका पिंजौर वासियों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और ये जो हमारी यात्रा रही है पिंजौर में, पहली भव्य यात्रा निकली है इतनी बड़ी, और मैं इसके लिए स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा तरसेम जी को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया सभी व्यापार मंडल के भाइयों के साथ मिलकर, और ये कार्यक्रम हमारा बिल्कुल सफल रहा।